नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। दिनभर की 6 बड़ी खबरें लेकर इस वक्त हम हाजिर हैं। यहां पर हर बाउंसर पर लगेगा सिक्सर, वो भी खबरों के तूफानी अंदाज में। तो चलिए फटाफट आज की कौन कौन सी वो 6 बड़ी खबरें हैं एक नजर डाल लेते हैं। सबसे पहले हम जिस पर बात करेंगे वो बात करेंगे चंबल की, जहां पर किस तरह से चित्कार मची हुई है ये बात होगी। इसके अलावा बात होगी लव जिहाद वाली बाला की। जी हाँ, इसके अलावा सियासी एजेंडा दूध वर्सेस अंडे की भी यहां पर बात होगी। बात होगी कोरोना की भी कि किस तरह से कोरोना से हाहाकार मचा हुआ है, 50 लाख के पार जा चुका है आंकड़ा। इसके अलावा आयुर्वेद में एक नई क्रांति हुई है, क्या है ये क्रांति भी आपको दिखाएंगे। और पाकिस्तान पर किस तरह से चली दादागिरी वो भी आपको दिखाएंगे। चलिए करते हैं विस्तार से बात। नदी में नाव पलटने से एक बड़ा हादसा हो गया, चारों तरफ चीख पुकार मच गई। एक छोटी सी नाव पर क्षमता से ज्यादा लोग और मोटरसाइकिल ले जाने की कोशिश, 11 लोगों की जान पर भारी पड़ गई। इस हादसे की लाइव तस्वीरें भी सामने आई हैं, जिसे देखकर किसी का भी दिल दहल जाए। गलती पूरी तरह से प्रशासन की थी, लेकिन अब आश्वासनों के अलावा और कुछ भी नहीं बचा। ये चित्कार एक ऐसे मजबूर बाप की है जिसके सामने उसका बेटा चंबल नदी में डूब रहा था। देखिए कैसे लोगों से खचाखच भरी नाव गहरी नदी में जा सब है। पानी में तबाही मच गई, हर तरफ चीख पुकार थी। कुछ लोग किनारे की तरफ बढ़ रहे थे तो कुछ लहरों के बीच एक एक का दम तोड़ रहे थे। उधर कुछ लोग नाव पर पहुंचकर आसपास के लोगों को सहारा देने की कोशिश कर रहे थे। एक शख्स नाव से कुछ दूरी पर था तो लकड़ी के सहारे उसे अपनी तरफ खींच लिया गया। तस्वीरें राजस्थान के कोटा जिले की है और नदी है चंबल। एक नाव पर 45 से ज्यादा लोग सवार होकर निकले थे। मंजिल थी बूंदी जिले का कमलेश्वर महादेव मंदिर, लेकिन इस एक नाव पर क्षमता से ज्यादा तो लोग थे ही। बताया जाता है कि इस पर 14 बाइक भी रखी गई थी, जिसका अंजाम ये हुआ। ये वो नाव है जो दुर्घटना का शिकार हुई, जिसके चलते ये पूरा की पूरा जो हादसा है वो पेश आया। आप देख सकते हैं कि किस हद तक ये नाव जर्जर है, पुरानी है, क्षतिग्रस्त है और डूबने की आशंका। आप जरा सोचिए, एक कल्पना कीजिए कि इस नाव पर 10 मोटरसाइकिल सवार है। ये वो मोटरसाइकिल है जो इस नाव के डूबने के बाद पानी में डूबी थी, जिनको निकाला गया है। तस्वीरों के जरिए इस लापरवाही को समझने की कोशिश करिए। हादसे के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सबसे खास बात यह रही कि प्रशासन को सूचना देने के 2 घंटे बाद भी रेस्क्यू टीम मौके पर नहीं पहुंची, जिससे गुस्साए लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। जैसे ही घटना की सूचना मिली, मौके पर एम्बुलेंस टीम, डॉक्टर्स की टीम और डिप्टी साहब, SHO, पुलिस कर्मचारी और राजस्व टीम और मैं खुद मौके पर पहुंचा और लोगों की सहायता से अभी रात कार्य प्रारंभ कर दिया गया है। लोगों का कहना है कि चंबल नदी पर यहां पुलिया नहीं है, जिसके चलते लोगों के पास नदी पार करने के लिए नाव ही एक सहारा है। हमने जब लॉकडाउन हुआ था तो प्रशासन ने हमने आके नावें बाहर निकलवा दी थी, फिर भी इन्होंने टूपे बना के और बाइक के उतारी, कोई मानता नहीं। उधर खेत भी इन लोगों के, तो खेतों पे जाते हैं ये चोरी छुपे, लोगों को बिठा के ले जाते हैं। काफी देर से शुरू हुए रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद एक एक कर लाशें नदी से बाहर आने लगी, जिससे चारों तरफ मातम पसर गया। घटना के बाद CM अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों को सांत्वना दी है। कोटा प्रशासन से बात कर घटना की जानकारी ली है। तत्परता से राहत एवं बचाव के साथ ही लापता लोगों को शीघ्र ढूंढने के निर्देश दिए गए हैं। स्थानीय पुलिस एवं प्रशासन घटनास्थल पर मौजूद है। प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री सहायता कोष से मदद के लिए निर्देश दिए गए हैं। दिल दहलाने वाले इस हादसे के बाद स्थानीय प्रशासन की लापरवाही साफ तौर पर नजर आ रही है। इस मामले में दिखावे की कार्रवाई भी होना तय है, लेकिन सवाल ये कि जिन लोगों ने अपनों को खोया उन्हें इंसाफ कैसे मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। उत्तर प्रदेश में लव जिहाद के रोज नए मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन इस बार मेरठ से गिरफ्तार एक जिहादी ने इंसानियत की सारी हदें लांघ दी। 4 बीवियों का पति और 4 बच्चों का पिता होने के बाद भी ये शख्स नाबालिग हिंदू लड़कियों को अपना शिकार बनाता था। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर छानबीन की तो पता चला कि ये तो लव जिहाद वाला बाला है। दिखाओ,
मेरी बात तो सुनो एक बार। मेरा पति गंजा, मेरा पति, मेरा पति, मेरा पति गंजा। दो तस्वीर, एक रियल लाइफ लेकिन दूसरी असल जिंदगी। नाम अमन चौधरी उर्फ अब्दुल्ला, काम लव जिहाद के जाल में हिंदू लड़कियों को फंसाना, परिवार चार बीबी चार बच्चे। आरोप हिंदू बनकर कई लड़कियों को फंसाना, रेप करना। कहानी का मजमून समझ ही गए होंगे। लव जिहाद का ये मामला भी उत्तर प्रदेश का है। मेरठ में पुलिस को एक 17 साल की नाबालिग के गुमशुदा होने की शिकायत मिली थी। जांच की तो कुछ सुराग मिले जिसके तार गाजियाबाद से जुड़े। पुलिस ने दबिश दी, बच्ची को बरामद कर लिया। साथ में हाथ लगा ये वहशी, अब्दुल्ला से अमन चौधरी बनकर 17 साल की एक किशोरी को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। इस लव जिहादी ने किशोरी को बंधक बनाया और उसके साथ रेप किया। पुलिस ने जांच की तो सच्चाई सामने आ गई और इस जानवर के चेहरे से हर नकाब उतर गया। थाना गंगा खड़ा में 3 सितंबर को एक नाबालिग बच्ची के अपहरण का अभियोग पंजीकृत किया गया और इसको पुलिस ने बड़ी तत्परता से कार्रवाई किया, बहुत गंभीरता से लेते हुए टीमों को गठन करके सारी जानकारी इकट्ठा किया। जानकारी करने पर पता चला कि बच्ची का अपहरण एक 42 वर्षीय व्यक्ति जिसके 4 बच्चे हैं उसने कर लिया है। टीम ने उसकी जानकारी किया और अपहृता जो नाबालिग बच्ची थी उसको सेक्सुअल बरामद किया और अभियुक्त को भी गिरफ्तार किया। खुद को जवान दिखाने के लिए चुस्त दुरुस्त जींस शर्ट पहनता था और बकायदा गंजा हो चुका आरोपी दिल लगाकर अपने बाल उगा लेता था और जवान दिखने की कोशिश में तमाम टोटके करता था। इसके निशाने पर खास तौर पर नाबालिग हिंदू लड़कियां होती थी। हिंदू जागरण मंच के नेताओं की माने तो आरोपी अपने भांजे के जरिए लड़की को बहला फुसला कर गाजियाबाद ले गया, यहाँ किराए पर रूम लेकर कुछ दिन रखा, जिसके बाद मेरठ ले गया। हिंदू जागरण मंच ने पुलिस को खास इनपुट दिए, तब इस शातिर पर शिकंजा कसा जा सका। अब पुलिस इस जिहादी सोच के सारे काले कारनामे उजागर करने के लिए शख्स से पूछताछ कर रही है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे कोरोना की, जो कि रोज नए रिकॉर्ड बना रहा है। अब देश में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 50 लाख को पार कर गया है। हालात ये हैं कि पिछले 11 दिनों में 10 लाख नए केस आ चुके हैं। देखते हैं कोरोना से जुड़ी ये अपडेट। कोरोना की मार 50 लाख पार, 11 दिन में 10 लाख नए केस। चीन ने बनाया वायरस, चीनी डॉक्टर ने दिए सबूत। चीन का बनाया कोरोना वायरस देश में कहर ढा रहा है। हालात ये हैं कि महज 11 दिन में 10 लाख नए केस सामने आ चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 90,000 से ज्यादा केस बताए जा रहे हैं और ये बताने को काफी है कि भले ही लॉकडाउन हट गया लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत अभी सावधान रहने की है। कोरोना के कुल मरीज 50,20,360, अब तक 82,070 लोगों की जान गई। इधर सबसे ज्यादा केस महाराष्ट्र में दर्ज हो रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में रोजाना करीब 20,000 नए कोरोना मरीज मिल रहे हैं। हर दिन मौत के मामले में महाराष्ट्र में करीब 500 के आसपास की संख्या है। यूपी में भी महामारी से एक दिन में मरने वालों की संख्या डरा रही है। महाराष्ट्र में 24 घंटे में 20,482 मरीज मिले। महाराष्ट्र में एक दिन में 515 मरीजों की मौत। यूपी में एक दिन में सबसे ज्यादा 113 की मौत। देश में करीब 10 लाख एक्टिव केस। दिल्ली में अगस्त में हुए सीरो सर्वे में एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दिल्ली के सीरो सर्वे में बड़ा खुलासा, ठीक हुए 30% मरीजों में एंटीबॉडी नहीं बनी। कुछ मरीजों में दोबारा कोरोना की खबर। उधर कोरोना वायरस को लेकर लगातार झूठ बोल रहे चीन की पोल एक चीनी वैज्ञानिक ने खोल दी है। चीन की मशहूर वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर ली मेंग यान ने अपने सनसनीखेज दावे के समर्थन में सबूत पेश किए। डॉक्टर यान ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है, चीन की वायरोलॉजिस्ट का सनसनीखेज खुलासा, चीन की लैब में वायरस बनने के दिए सबूत। दो चमगादड़ों को जेनेटिक मटेरियल को मिलाकर तैयार हुआ वायरस, कोरोना वायरस के स्पाइक प्रोटीन को बदला, मानव के कोशिकाओं से चिपक कर बैठने के लिए किए बदलाव। आपको बता दें कि चीन की इस मशहूर वायरोलॉजिस्ट ने जब चीनी सरकार की
कोरोना वायरस वाली साजिश को बेनकाब किया तो पूरी सरकार उनके पीछे पड़ गई। फिलहाल वो चीन से फरार है और अज्ञात जगह से बड़े बड़े खुलासे कर रही हैं, जिस वजह से उनकी ये रिपोर्ट अभी तक किसी प्रतिष्ठित जर्नल में प्रकाशित नहीं हो पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आईपीएल में शुरू होने जा रहा है धमाल, लेकिन उससे पहले दादा ने कर दिया है कमाल। दुबई की धरती से पाकिस्तान को ऐसी गुगली डाली कि वो चारों खाने चित्तर हैं। उधर आईपीएल में जूनियर तेंदुलकर की एंट्री को लेकर भी जमकर कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान से दादा का बदला, आईपीएल में तेंदुलकर की एंट्री। आईपीएल का खुमार पूरे देश पर छा चुका है और अब इस पर सबकी नजरें भी हैं। इसी बीच बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली की गुगली से पाकिस्तान हो गया है क्लीन बोल्ड। सौरभ गांगुली ने यूएई के मैदानों का दौरा किया, लेकिन जब दादा मशहूर शारजाह क्रिकेट स्टेडियम पहुंचे तो वहां की तस्वीरों में कुछ खास था। इस तस्वीर में सौरभ गांगुली के साथ यूएई के अधिकारियों सहित कई बीसीसीआई अधिकारी मौजूद नजर आ रहे हैं। वहीं जब दादा ने फोटो के बीच देखा कि पीछे स्टेडियम की ऊंचाई पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों का एक बड़ा सा पोस्टर लगा है, तो उन्होंने इस फोटो में उस पोस्टर को ब्लर कर दिया। दादा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शारजा स्टेडियम के दौरान सोशल मीडिया की एक तस्वीर साझा की थी, लेकिन ये तस्वीर सुर्खियां बटोर रही है। दरअसल पाकिस्तान में आईपीएल बैन है और दादा ने उनके बैन पर अपने अंदाज में दुबई की जमीन पर दादागिरी दिखाई है। इधर आईपीएल में तेंदुलकर की एंट्री की भी खबर है, जिसकी वजह बनी है ये तस्वीर। सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर चार बार की आईपीएल चैंपियन टीम मुंबई इंडियंस के साथ यूएई गए हैं। अर्जुन यूएई में मुंबई इंडियंस के साथ जुड़े तो हैं, लेकिन वो नेट गेंदबाज के तौर पर टीम के साथ गए हैं। लोग कह रहे हैं कि अब ये तय है कि अगले सीजन में अर्जुन मुंबई इंडियंस की प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। इधर सनराइजर्स हैदराबाद के कोच वीवीएस लक्ष्मण की हेलमेट कैंप कोचिंग के भी चर्चे हैं। फिलहाल अभी ना बुबी और बेसिल, जिसमें वो खिलाड़ियों को प्रैक्टिस कराते वक्त उसे अपने हेलमेट कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश में कुपोषण को दूर करने के नाम पर जमकर सियासत हो रही है। यहाँ सियासी एजेंडा बन चुका है दूध वर्सेज अंडा। देखते हैं क्या है पूरा मामला। एमपी में सियासी फंडा, दूध वर्सेस अंडा, मध्याह्न भोजन के मेन्यू पर विवाद, कुपोषण का नहीं तोड़, सियासत अंडा फोड़। एमपी में कुपोषित बच्चों की हालत किसी से छिपी नहीं है, लेकिन इन बच्चों को कुपोषण से निकालने की सारी कवायद अंडा और दूध पर आकर खत्म हो जाती है। बीजेपी सरकार ने एक बार फिर ऐलान कर दिया है कि बच्चों को स्कूलों में मध्याह्न भोजन में अब सिर्फ दूध दिया जाएगा, अंडा नहीं। पार्टी फल का वितरण करेगी और सरकार कुपोषित बच्चों के लिए दूध का वितरण करेगी। कुपोषण दूर करने के लिए अंडा नहीं, दूध। दूध देने का अभियान प्रारंभ किया जाएगा। कांग्रेस की सरकार जब सत्ता में आई तो महिला और बाल विकास मंत्री इमरती देवी ने बच्चों का कुपोषण दूर करने के लिए मध्याह्न भोजन में अंडा देने का ऐलान किया था, जिस पर बीजेपी ने खूब बवाल किया था। लेकिन इमरती देवी अड़ गईं कि बच्चों की सेहत से कोई समझौता नहीं। फिर बीजेपी की सरकार आ गई। इस बार भी महिला एवं बाल विकास मंत्री इमरती देवी ही हैं, क्योंकि वो कांग्रेस छोड़ सिंधिया के साथ बीजेपी में आ गई थी। इस बार भी इमरती देवी बच्चों को अंडा देना चाहती थी। उनका कहना था जो बच्चे दूध और अंडे में से विकल्प चुनेंगे उन्हें अंडा दिया जाएगा। वो तो मैं पहले कहा था कि जो हमारे मुख्यमंत्री और डॉक्टर थे वो चीज देंगे, अगर दूध तो बच्चों के लिए अच्छा चीज है तो दूध मिले तो दूध से भी हमारे बच्चों का कुपोषण दूर होगा। जाहिर है इमरती देवी ने कांग्रेस की सरकार में अंडे की वकालत की थी, तो इस बार भी अंडे के साथ खड़े रहना था, क्योंकि मध्य प्रदेश में बच्चों के कुपोषण के आंकड़े शर्मनाक हैं और सरकार चाहे कांग्रेस की हो या बीजेपी की, इस पर काम नहीं हुआ। आंकड़े बताते हैं कि यहां हालात कितने खराब हैं। 2017-18 में 11,73,628 बच्चे कुपोषित,
2016-17 में ये आंकड़ा 13,38,798 बच्चों का था। अब तक वेबसाइट पर 2019-20 के आंकड़े दर्ज नहीं हैं। आदिवासी अंचलों में हालात सबसे खराब, देश के फिसड्डी राज्यों में शुमार है एमपी। उधर इस पूरे मामले पर एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ ने कहा है कि दूध या अंडे से ज्यादा ध्यान कुपोषण को खत्म करने पर होना चाहिए। एमपी में पिछली बीजेपी सरकार में कुपोषण ने सुर्खियां बटोरी थी। मध्याह्न भोजन सप्लाई करने वाली संस्थाओं का नाम घोटाले में जमकर उछला था, लेकिन जांच का क्या हुआ किसी को नहीं पता। एक बार फिर सरकार बीजेपी की है और चुनौती वही कुपोषण। सियासत तो जमकर हो रही है, अब देखना है कि जमीनी स्तर पर कितना काम हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हिंदुस्तान में आयुर्वेद को लेकर नए प्रयोग हों, आयुर्वेद जन जन तक पहुंचे, इसी को लेकर केंद्र सरकार की ओर से एक बड़ी पहल हुई और एक नया विधेयक पारित किया गया। देखिए रिपोर्ट। राज्यसभा में आयुर्वेद शिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2020 पर मुहर लगी तो इसके साथ ही प्राचीन इलाज पद्धति को लेकर देश का संकल्प भी मजबूत हुआ। राज्यसभा में बिल पर चर्चा के दौरान राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने आयुर्वेद को दुनिया में और प्रचारित करने की जरूरत पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद के विकास को राष्ट्रीय मिशन बनाना चाहिए। डॉक्टर चंद्रा ने आयुर्विज्ञान के संस्थानों के मॉडर्नाइजेशन पर जोर दिया और आयुर्वेद को बेहद किफायती उपचार पद्धति करार दिया। One is to provide financial assistance to the farmers to grow more medical plants in at large scale, ensure standards of the raw material before it is gone to the pharmaceutical industry for Ayurvedic medicine making. Good. Number three, grant large scale budget for R&D to even to private sector in this area so that it could be further recognized with the proper research papers and everything. I commend the government to have made an aims at Badarpur with the Ayurvedic thing. They should be made center of excellence also. Thank you. And add nature cure and yoga also part of the medicine. इस नए बिल में गुजरात के जामनगर के 3 आयुर्वेद संस्थानों को विलय कर एक राष्ट्रीय संस्थान बनाने का प्रस्ताव भी शामिल है। आयुर्वेद शिक्षण और अनुसंधान संस्थान विधेयक के जरिए 3 आयुर्वेद संस्थानों को एक बड़े संस्थान में विलय किया जाएगा। इसका नाम इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेद होगा। विलय होने वाले तीनों संस्थान जामनगर के ही हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि देश में राष्ट्रीय महत्व के 103 संस्थान हैं, लेकिन आयुर्वेद में कोई भी नहीं था। उन्होंने जामनगर संस्थान के चुनाव को लेकर उठाए जा रहे सवालों का जवाब भी दिया। गवर्नमेंट हैज अप्रूव्ड ₹4,000 crores प्रोजेक्ट अंडर द आत्मनिर्भर भारत फॉर कल्टीवेशन ऑफ मेडिसिनल प्लांट्स एंड सप्लीमेंटिंग द इनकम ऑफ फार्मर्स। इट विल ऑल्सो एंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटीरियल फॉर the Ayush sector. And right now Ayurveda and our Indian systems are appreciated and recognized by the World Health Organization also. गुजरात के जामनगर के संस्थान के संचालन के लिए राज्य और केंद्र सरकार की एक समिति बनाई जाएगी। आयुर्वेद में रिसर्च और नई संभावनाओं के लिहाज से ये विधेयक एक बड़ा और क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।